हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत ही स्पेशल डे था, हमारी प्यारी माँ का बर्थडे था और सबने मिलके सेलिब्रेट किया वडोदरा में। मैं और प्रिया नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम वीडियो कॉल के ज़रिए हमेशा की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये वीडियो है पापा मम्मी के घर का, जहाँ भैया भाभी और सानवी खुशी ने भी ज्वाइन कर लिया था। सबने मिलके केक काटा। भैया भाभी ने बहुत अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाया और हमें भी ऐसा लगा कि चलो हमारी कमी पूरी हो गई एक तरह से। ऐसे मौके पे फैमिली का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग भले ही ना पहुंच पाए, लेकिन भैया भाभी ने वहां जाकर पापा मम्मी के साथ में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये सारे वीडियोस पापा ने ही रिकॉर्ड किए हैं, उन्होंने मुझे भेजे थे। अब जब भी हम नेक्स्ट जाएंगे तो हम जो सेलिब्रेशन हम अभी नहीं कर पा रहे हैं तब करेंगे। जी हाँ, भैया भाभी ने डिनर भी अच्छे से अरेंज किया था। हमें लिटरली ये वीडियो देख के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि चाहे वो खाना भाभी के हाथ का हो या मम्मी के हाथ का हो, होता तो बहुत टेस्टी है। आई थिंक कुछ ऑर्डर किया है बाहर से भी, वो मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ वीडियो से। और मैं क्योंकि अभी बाहर शूट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया फ़ोन पर। कुछ चीजें बाहर की हैं और कुछ चीजें घर की हैं। माँ जी कहाँ जा रही हो तुम ये बैग टांग के, और तुम कहाँ जा रही हो इतने बड़े बड़े बैग्स लेके? अच्छा शिवांशी कहाँ जा रही हो तुम? शिवांशी पापा को छोड़ के जा रही है, कहाँ जा रही है? तो पापा छोड़ के नहीं जा रही, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। वो क्या बोल दिया उसने अपनी लैंग्वेज में? हाँ वही बोल रही कि पापा टेंशन नहीं लेने का। चलिए देखो, अच्छी लग रही हूँ? बहुत क्यूट लग रहा है। बोलती तो है ये, बस क्लियर वर्ड्स बोलने का भी इसका देर है थोड़ी। पता है सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे एवरेज आते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम होते हैं पढ़ने में। तो जो दो भी होते हैं बच्चे पढ़ने में, वो भी तो बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी लाइफ में। यस। तो कभी कभी बच्चे लेट होते हैं। मैं भी 3 साल बाद बोला था। हाँ वही। गुड़िया बोल पापा। पापा अभी मैंने डैडी से भी तो बात किया था, जब डैडी उन डॉक्टर से नहीं बात कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सही है, वो हेल्दी बच्चा है। जिस दिन ये पापा या डैडी बोलेगी उस दिन मैं पार्टी दूंगा। तो मेरी गुड़िया रानी और मेरी पत्नी श्री जा रहे हैं वडोदरा। मैं इनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और गुड़िया तो बहुत एक्साइटेड है। गुड़िया का तो ऐसा है कि बस जल्दी से मुझे बाहर घुमाने ले चलो। हैं शिवांशी सुनती नहीं है। शिवांशी तो सबसे पहले निकल जाएगी लगता है। शिवांशी लिफ्ट बुलाने जा रही है। शिवांशी को मजा आ रहा है। हाँ मौसम तो बढ़िया। हाँ, शिवांशी और प्रिया पहली बार बाय ट्रेन जा रहे थे वडोदरा। वडोदरा जाते ही दंगल शुरू कर दिया मेरी बच्ची ने। गौरव भाई देख ले, देख इसको सब याद है भाई, अपने आप लगा रही है ये यहाँ पर, अपने आप आके इसने कुशंस लगा दिए, चद्दर उठा के ले आई, देख ले भाई देख ले। शिवांशी सामान ढंग से लगा रही थी और उसका बाप फैला रहा था।
तो गोवा जाने से पहले लास्ट वर्कआउट करके मैं जाना चाहता हूँ, तो अभी जा रहा हूँ जिम। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।